मैं अलका गुप्ता आज आप लोगों के लिए एक और नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। इस कहानी का शीर्षक है एक बैल की बुद्धिमानी। एक दिन एक किसान का बूढ़ा बैल कुएं में गिर गया। वह बैल घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंततः उसने निर्णय लिया कि क्योंकि बैल काफी बूढ़ा हो चुका था अतः उसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं था और इसलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही बैल को समझ में आया कि यह क्या हो रहा है वह और जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा और फिर अचानक आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वह आश्चर्य से सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर मिट्टी गिराते वैसे वैसे वह हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता। जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वह बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूद कर बाहर भाग गया। ऐसे में आपको हतोत्साहित होकर कुएं में नहीं पड़े रहना है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बल्कि साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिरा देना है और उससे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहना है। सकारात्मक रहे, सकारात्मक जिए।